तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आप सभी को दे देता हूँ। जो कोरोना वायरस का जो डर है दोस्तों, वो 31 मार्च तक ही नहीं, अब अप्रैल 14 तक चल गया है। यानी कुछ कुछ जगहों पे लॉकडाउन की सिचुएशन थी, अब पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन है। इटली जैसे कंट्री में जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अच्छा रैंक माना जाता है, वो अगर अपना हाथ खड़ा कर दिया है ना दोस्तों, तो इससे हमको ये सबक लेना है कि हमको भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। आपको पता है इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री ही नहीं है, इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, और ये वायरस अगर पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट बन जाता है ना यहाँ पे, तो फिर लोगों को संभालना बहुत बड़ी चुनौती होगी दोस्तों। इसलिए आप सभी से मेरा गुजारिश है कि आप जहाँ कहीं भी हैं देश भर में, सुरक्षित रहिए, आप घर पर रहिए। अपने घर पे ही आप अपने आप को काफ़ी अच्छे सुरक्षित मान सकते हो दोस्तों। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो एक स्टूडेंट फरमाइश के परिवार के एक मेंबर होने के नाते मैं आप सभी से फिर से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप एस्पायरेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों सिचुएशन को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद SBI क्लरिकल मेन्स एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है। शायद अप्रैल महीने में SBI PO की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। शायद IBPS क्लरिकल एग्जामिनेशन फाइनल का रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं देरी होगा। IBPS PO देरी होगा। लोगों का टाइपिंग टेस्ट था वो देरी होगा। लोगों का DV था वो देरी होगा। लोगों का RRB में ज्वाइनिंग था वो देरी होगा। सब देरी होगा दोस्तों। और आप सभी को संयम और भी बढ़ाना है, संकल्प लेना है कि आप सभी को लड़ना है। और इस लड़ाई का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास कि घर में रह के आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो। तो ये 99.99% मेरे हिसाब से शायद लगता है कि SBI क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन अब 19th के बाद ही आप लोगों का एक्सपेक्ट कर सकते हो। हो सकता है कि उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आ जाए कि क्या होने वाला है। बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूँ अब इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जीवन जो है ना दोस्तों, उसकी कीमत को आंकना शायद आप ही आंक नहीं पाओगे, मैं भी आंक नहीं पाऊंगा। इसकी इतनी वैल्यू है दोस्तों। तो इसलिए घर पर रहिए। अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको कि और अच्छे तरीके से आप पढ़ गए। जब भी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, एग्ज़ामिनेशन तो होने वाला है, चाहे वो अप्रैल के लास्ट में हो या चाहे वो मई में हो या चाहे वो जून में हो, अब जिंदा रहना सबसे बड़ी चुनौती है हम सभी को। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आपको कहीं बाहर अननेसेसरी जाना नहीं है, घर पर रह के पढ़ाई करना है। स्टूडेंट फरमाइश के परिवार से बस यही विनती है कि आप लोग सुरक्षित हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत। घर पर रहिए, पढ़ाई करिए। टेक केयर। शब आखिर।